खबर देहरादून से है, जहां शहर के चर्चित आंचल पांधी मौत मामले में आरोपी पति राहुल पांधी को आज 8 घंटे पुलिस रिमांड में लिया गया है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई रिमांड अवधि के दौरान पुलिस राहुल को साथ लेकर क्राइम स्पॉट पर गई और वारदात की रात हुए घटनाक्रम के एक बार फिर से उसकी बारीकी से पड़ताल की गई। इस दौरान राहुल से घटना से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल की गई। और आपको बता दें कि बीते 14 फरवरी की सुबह ड्रेस डिजाइनर आंचल पांधी का शव राजपुर रोड स्थित पैसिफिक हिल्स अपार्टमेंट में उनके फ्लैट में फंदे से लटका हुआ मिला था। फ्लैट में मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई थी, लेकिन परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए आंचल के पति राहुल पांधी, राहुल की मां किरण पांधी और बहन इंद्राणी और रचना पांधी के खिलाफ राजपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। और इस खबर पर तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे संवाददाता खुर्रम शमशी देहरादून से जुड़ गए हैं। खुर्रम, क्या कुछ अपडेट है मामले में पुलिस ने जो पूछताछ की है राहुल से, क्या कुछ बातें निकल कर आई हैं सामने? बिल्कुल, देखिए ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पुलिस इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसका सीधा जवाब पुलिस को हाई कोर्ट में भी देना पड़ रहा है, क्योंकि आंचल पांधी के जो परिजन थे उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया था और इस मामले को हाई कोर्ट तक पहुँचाया था। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो एक पक्ष अपना एक बार नैनीताल हाई कोर्ट में रख चुकी हैं, लेकिन उसके बाद इसकी निष्पक्ष जाँच के आदेश किए गए थे, तो उसके बाद जो पुलिस है उसने कोर्ट में पीसीआर के लिए अर्जी डाली थी। कल बुधवार को कोर्ट ने 8 घंटे की रिमांड मंजूर की थी, तो आज सुबह पुलिस टीम सुद्धूवाला जेल पहुंची और जो आरोपी पति है राहुल पांधी उसको पीसीआर में लिया, कस्टडी में लिया और मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर एक एक जो सीन था, किस तरह से राहुल गांधी ने जो पुलिस को बयान दिए थे उसके आधार पर जो सीन थे उनको सबको दोहराया गया, किस तरह से जहां पर आंचल पांधी का शव मिला था और जिस तरह से बताया गया था कि खुदकुशी की है ससुराल वालों का ये कहना था, लेकिन परिजनों का इसमें हत्या का आरोप लगाया था, किस तरह शीशा तोड़ा गया था, किस तरह से दरवाजा तोड़ा गया था और क्या क्या चीजें घटनाक्रम वहां पर हुई थी, पूरा का पूरा जो सीन था आज वहां पर दोहराया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें ये रही है कि जो पुलिस ने पीसीआर ली तो उसके बाद राहुल पांधी के दोबारा से बयान दर्ज हुए हैं और जो भी साक्ष्य जुटाए हैं अब उन सभी साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो मैंने अभी जिक्र किया है महज 8 घंटे की ही पीसीआर थी, तो पुलिस के सामने ये 8 घंटे जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन जितने भी 8 घंटे के अंदर जितने भी साक्ष्य पुलिस को मिलेंगे और जितने भी वहां पर जाके मौका मुआयना किया गया, उसकी जो वीडियोग्राफी की गई, उसकी जो फोटोग्राफ्स ली गई, क्योंकि उसके जो कुछ फोटोग्राफ्स हैं इंडिया 24/7 एक्सक्लूसिव वो फोटो अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहा है, तो ये सारे के सारे तथ्य और ये सबूत अब हाईकोर्ट में इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को रखने होंगे। तो इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात हम बार बार उठा रहे हैं कि परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, कराया था, लेकिन जो ससुराल वाले हैं इसको बार बार आत्महत्या बता रहे थे, लेकिन बाद में पुलिस ने इस मामले को इनकी धाराओं को तरमीम किया था और आत्महत्या के उकसाने की धाराओं पर मुकदमा करते हुए आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। आज का जो सबसे बड़ा अपडेट इंडिया 24/7 अपने दर्शकों को दे रहा है वो यही है कि मौका मुआयना हुआ है, खुद जो आईओ है श्वेता चौबे उसने आरोपी राहुल पांधी को पीसीआर में लेकर मौके पर मुआयना किया है और काफी ज्यादा साक्ष्य वहां पर जुटाए हैं। अब देखना है कि ये जो साक्ष्य हैं वो जो कोर्ट तक पहुंचाए जाएंगे, नैनीताल हाई कोर्ट में रखे जाएंगे, उसके बाद कोर्ट का क्या रुख रहता है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे कहां तक पहुंचती है। अब राहुल पांधी की जो बयानात थे और आज का जो मौका मुआयना हुआ उसके बाद माना यही जा रहा है कि ये जो जांच है इसमें तेजी आएगी और बहुत जल्द इसका कंक्लूजन तक जो जांच अधिकारी है वो पहुंच पाएंगे। जी खुर्रम, बने रहिए, आपसे आगे की खबरों पर भी अपडेट लेंगे। राष्ट्रपति 5 और 6 मई को उत्तराखंड दौरे पर होंगे। 5 मई को एफआरआई दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शिरकत करेंगे। 5 मई को सुबह 10:50 पर राष्ट्रपति दिल्ली से जॉली ग्रांट के लिए रवाना होंगे। 11:35 पर वायुसेना के विमान से जॉली ग्रांट पहुंचेंगे। फिर 11:45 पर जॉली ग्रांट से MI-17 से GTC हेलीपैड आएंगे। वहीं दोपहर 12:15 राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी GTC पहुंचेंगे और वहां से दोपहर 12:30 FRI बाय रोड जाएंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दूसरे दिन यानी 6 मई को बद्रीनाथ के दर्शन के लिए रवाना होंगे। बद्रीनाथ के कपाट
6 मई को सुबह 4:15 पर खुलेंगे। राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसमें दिनांक 5 तारीख को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के उपरांत जीटीसी हेलीपैड आने के बाद इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में करीब 1.25 घंटे का प्रोग्राम प्रस्तावित है। इसके उपरांत राजभवन में रात्रि विश्राम और अगले दिन प्रातः जो है बद्रीनाथ श्राइन में दर्शन उपरांत जो है वापसी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट होते हुए दिल्ली की वापसी का प्रोग्राम प्रस्तावित है। इसमें जो सभी व्यवस्थाएँ जो रूट व्यवस्था या हमारे जो एयरपोर्ट है जीटीसी हेलीपैड है प्रोग्राम स्थल है सभी पर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ कोई भी आकस्मिक प्रोग्राम चेंज होने के कारण रिजर्व फोर्स को रखा गया कि कहीं अन्य जगह पर प्रोग्राम प्रस्तावित होने पर तत्काल उसकी व्यवस्था की जा सके। सभी जगह का फोर्स अन्य जनपदों से भी इसमें बुलाया गया है जिसकी ब्रीफिंग कल प्रातः जो की जाएगी। इसके बाद मिनट टू मिनट रिहर्सल के उपरांत इसमें कार्रवाई पूरी होनी है। अभी तक जो प्रोग्राम है उसकी समस्त तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई।